पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाराजा हरिश्चंद कॉलेज में सर्जन लोक आर्ट फाउंडेशन ललित कला विभाग द्वारा चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल रहे। महोत्सव का उद्घाटन महापौर विनोद अग्रवाल ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्तर के लगभग 165 चित्रकारों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं प्रबंधक समिति का चुनाव सम्पन्न हुआ और नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर डीपी रस्तोगी चयन किए गए। साथ ही उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार रस्तोगी, प्रबंधक के रूप में काव्य सौरभ रस्तोगी को चुना गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर मीना कौल, डॉक्टर सुधीर अरोड़ा, कुलविंदर सिंह, फैजान आदि का विशेष सहयोग रहा। आज मार्गदर्शन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रबंध समिति का चुनाव यहाँ सम्पन्न हुआ और नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर डीपी रस्तोगी जी, जो दिल्ली निवासी हैं, उनका चयन किया गया। उपाध्यक्ष के रूप में रविंद्र कुमार रस्तोगी भगत जी और प्रबंधक के रूप में मैं काव्य सौरभ रस्तोगी दोबारा प्रबंधक चुना गया हूँ। उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस के रस्तोगी मुरादाबाद और उपप्रबंधक के रूप में रविंद्र कुमार रस्तोगी भगत जी, ऐसे चुनाव हुआ है। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष पद पर श्री मनोज कुमार रस्तोगी यहाँ चयनित हुए हैं। सदस्यों में श्री मुकुल किशोर जी, श्री पवन कुमार रस्तोगी एडवोकेट, श्री अनिल कुमार रस्तोगी हसनपुर, श्री सुनील कुमार रस्तोगी रिटायर्ड DSO और अभय कुमार रस्तोगी जी, विजय कुमार रस्तोगी जी संभल, इस प्रकार से 9 सदस्य आज चुने गए हैं। और साधारण सभा की बैठक भी थी, जिसमें महाविद्यालय के विकास को लेकर अनेक प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए और पिछले 5 वर्षों का लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और मेयर विनोद अग्रवाल जी ने भी अंत में आगे शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि के रूप में, प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में, अपर आयुक्त प्रशासन श्री देवीदास जी और विश्वविद्यालय के चुनाव पर्यवेक्षक प्रोफेसर KK चौधरी भी यहाँ उपस्थित रहे। उनकी देखरेख में यह चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ।